हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। किसी के शब्दों को सुनना हो तो निःशब्द हो जाओ, तभी उसके शब्दों को आप सुन पाएंगे। मेरा मतलब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल एकदम नीचे से ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स समझा दें आपको कि ये इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होती है। देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज़, पहले तो आप ये समझ जाएं कि इकोनॉमिक्स में हम जिन चीज़ों की स्टडीज़ करते हैं, जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं, वो एक नॉर्मल लोगों की लाइफ होती है। नॉर्मल लोग मतलब जो मिडिल क्लास पीपल हम मान सकते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, राइट। हम कम में माने एक लिमिटेड चीज़ों में हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, सबसे अच्छा हो जाए, ठीक है। इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसे हुई, जैसे अब हम ये मान के चले कि देखो, जैसे पहले हम अपने घर से ले लेते हैं, जैसे घर है हमारा, बजट एक हमारा लिमिटेड होता है, उसमें हमको अपने पूरे जितने भी खर्चे होते हैं उसको हमको उसमें मेंटेन करना होता है। हम बजट के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, इसलिए हम अपना बजट सेट कर लेते हैं, सही है। ऐसे इकोनॉमिक्स अगर हम देखते हैं तो ये दो वर्ड से मिलके बना, एक इको हो गया, एक नोमस हो गया, है ना। इसको भी हम ये इसी बात पर डिस्क्राइब कर देंगे कि भाई कम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हम कैसे मिल सके, वो इकोनॉमिक्स हो गया हमारा। जैसे हमने लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स क्यों, इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं और हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती हैं, समझ गए ना। सोर्सेज लिमिटेड है, अगर हमारी अर्निंग है तो वो उतनी तो होगी, 1 लाख होगी, 1.5 लाख होगी, 2 लाख होगी, बस, है ना। लेकिन हमारी जो वॉन्ट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, सही है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है, ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड है वेल्थ से, सारी वेल्थ से। इसीलिए हमारा जो इकोनॉमिक्स है, हम इकोनॉमिक्स में वेल्थ की स्टडी करते हैं, धन की स्टडी करते हैं, समझ गए। एडम स्मिथ ने कहा था ना, फादर है हमारे इकोनॉमिक्स के, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास जितने भी होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और हमारी वॉन्ट्स जो होती हैं सारी की सारी कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। ये मान लीजिए कि हम उन अनलिमिटेड वॉन्ट्स को इतने कम अपने सोर्सेज में किस तरीके से पूरा करें कि एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। अगर हम एक प्रोड्यूसर हैं तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें, और अगर हम सोसाइटी हैं तो हम मैक्सिमम वेलफेयर का काम कर सकें, समझ गए। ये जो सिस्टम होता है, ये जो हम सीख रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं, इसी को हम इकोनॉमिक्स कहेंगे, समझ गए आप लोग मेरी बात को, हम क्या क्या होता है इकोनॉमिक्स और हम क्यों स्टडी करते हैं इसके। स्कैरसिटी एंड चॉइस, इसी से आ जाता है इकोनॉमिक्स से। स्कैरसिटी मतलब, स्कैरसिटी मीन्स होती है कमियां, जब चीज़ों की कमी होती है, जैसे हमने भी बताया कि रिसोर्सेस हमारे कैसे हैं, लिमिटेड है, इसका मतलब कमी है, तो अपने आप से चॉइस आ जाती है हमारे सामने, है ना। हम आपके सामने 10 कपड़े रख दें और हम 10 में से कहें कि आपको भाई हमारे पास इतने ही रुपये हैं, है ना। अब इतने ही रुपये हैं तो फिर आप उसमें से चूज़ करेंगे ना। अगर हम ये कहते हैं कि ये 10 कपड़े बहुत सारे रुपए हैं तो फिर आप सारे खरीद डालोगे, फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है इसका मतलब, है ना। लेकिन जब हमारे पास, हमने आपको कह दिया कि नहीं 10 कपड़े दिख रहे हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ 1000 रुपीज़ हैं, तो आप उसमें से सबसे अच्छा अपने लिए एक लेने की कोशिश करेंगे, है ना, कि भाई 1000 रुपये में आपको सबसे अच्छा मिल भी जाए, सही है। तो स्कैरसिटी हमेशा चॉइस को जन्म देता है। स्कैरसिटी नहीं होगी तो चॉइसेस भी नहीं होंगी, मान के चले इस बात को, कमियां नहीं है तो चॉइस भी नहीं है। जहां लिमिटेड है वहां चॉइस किस बात की, आप बताओ मुझे एक बात, अनलिमिटेड है वहां चॉइस हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब स्कैरसिटी चॉइस को जन्म देती है। यहां पर डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। भाई डिमांड ज्यादा है, 10 कपड़े आपके सामने हैं, पर सप्लाई तो भाई हमने कर दिया आपके पास, हमारे पास तो सिर्फ 1000 रुपये हैं, हम 1000 रुपये में खरीद लो, ठीक है। चॉइस सिलेक्शन से आती है, चॉइस इज इक्वल टू सिलेक्शन। आपके सामने चॉइस है, आप उसमें से एक भी सेलेक्ट कर लो, सही।
अच्छा, स्केरसिटी कॉज चॉइस, यही बताया हमने आपको चॉइस। अब चॉइस में हम क्या, चॉइस हमारी डिसीजन मेकिंग की पावर को अच्छा कर देता है। डिसीजन मेकिंग आती है हमको, हमें बेस्ट लेना है ना भाई, हमको बेस्ट लेना है। उन 10 ड्रेसेस में से एक ड्रेस लेनी है, वो भी हमारे 1000 रुपीज में, और कहो तो अगर 900 में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर अब हमारी डिसीजन मेकिंग की पावर को देखा जाएगा कि वो कितनी स्ट्रांग है हमारी, हम कितना अच्छा डिसीजन वहां पर ले सकते हैं कि हम अपने आप को, अगर एज अ कंज्यूमर हम अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकें, एज अ प्रोड्यूसर हम अपने आप को मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करा सकें, और एज अ सोसाइटी हम वेलफेयर कर सकें उतने ही लिमिटेड सोर्सेज में 1000 रुपीज के अंदर। एग्जाम्पल है भाई, चॉइस डिसीजन मेकिंग की पावर को अच्छा करता है। यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि लिमिटेड रिसोर्सेज है हम उसका यूज कैसे करेंगे। आई थिंक आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक माइक्रोइकोनॉमिक्स होगा, एक मैक्रो होगा। अभी हम इतनी सारी ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि हम मतलब हम यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते ना। हम चूज करेंगे एक ऐसी चीज़ को, चूज करेंगे जो हमारे लिए कैसी होगी, बेस्ट होगी, कम में। देखो अच्छे में हमने आपको 1,00,000 रुपये दे दिए मार्केट जाने के लिए, तो आप उसमें से सामान अच्छा ले ही आओगे, है ना। लेकिन क्योंकि इको में हम एक नॉर्मल कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास 1,00,000 रुपये लेकर के नहीं जाना आपको, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, इस टाइप की चीज़ें आपको लेकर के जानी है। उसमें आपको बेस्ट चीज़ें लेनी है, यही हमारा इकोनॉमिक्स हमको सिखाता है, समझ गए। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये जो हम स्टडी करते हैं, ये हम छोटे लेवल पर करेंगे, एक इंडिविजुअल पर। एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक फर्म होगी, ठीक है। लेवल हमारा कैसा होगा, एक इंडिविजुअल का होगा। इसमें हम डिमांड सप्लाई के हिसाब से, मार्केट की फोर्स के हिसाब से यहाँ पर हम अपना काम करते हैं। इसका मतलब, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को, जो आपकी इकोनॉमिक्स है, माइक्रो माने छोटे लेवल पर, जहाँ पर हम स्मॉल लेवल पर किसी भी प्रॉब्लम को की स्टडी करेंगे, वो हमारा इसमें आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। यही अगर हम मैक्रो में चले आते हैं, तो यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे वो इन्हीं प्रॉब्लम की होगी, लेकिन वो होगी अब हमारी एक वास्ट लेवल पर। जैसे नेशनल इनकम की बात करेंगे हम, जैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे हम, जैसे पॉवर्टी की बात करेंगे, जैसे हेल्थ केयर की बात करेंगे, जैसे एजुकेशन की बात करेंगे, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये हमारी पूरी नेशन को इफेक्ट करेंगी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी किस में आएंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। इसलिए इसको थ्योरी ऑफ इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनकम से रिलेटेड हो गई और ये प्राइस से रिलेटेड हो गया। समझ गए इतनी बात को, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। और बात करेंगे हम थोड़ी सी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव मतलब जो पास्ट का भी होगा, फ्यूचर का भी होगा, प्रेजेंट का भी होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, हमने कहा कि ये ऐसा हुआ था, आज ऐसा हो रहा है, या इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, प्रेडिक्शंस है, यहाँ पर हो भी जाता है एकदम, ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ ओपिनियन, ओपिनियन सिर्फ, हाँ हो सकता है, ऐसा हो जाए, सब हम सिर्फ ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी सिर्फ राय दे रहे हैं, हुआ कुछ भी नहीं है अभी तक, ऐसा ऐसा हो सकता है और टू ही। लेकिन इसमें फैक्ट्स है, इसमें हुआ था, है या होगा, पॉजिटिव, ये नॉर्मेटिव, समझ गए मेरी इतनी बात को आप लोग, है ना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये कैसे होते हैं, ये सिर्फ एजम्पशन बेसिस होते हैं, ओपिनियन ही लिए जाते हैं, आपकी राय ली जा रही होगी। जैसे टीवी में देखते हैं ना, मतलब वो होने वाले हैं हमारे इलेक्शन होने वालों से पहले लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं बिना मतलब की, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इतनी बस, बढ़िया, फर्स्ट क्लास समझ में आ गए। चल आगे एक और चीज बता देते हैं, तो फिर आपका चैप्टर यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चल थोड़ा सा इरेज करेंगे हम और हम चलेंगे आप आपको यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी, इकोनॉमी देखो, जब आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ के आसपास के लोग किसी ना किसी अर्निंग के लिए जो काम करते हैं उसमें जुटे हुए होंगे,
है ना, जिस भी एरिया में रहते होंगे, है ना, कहीं कहीं पर टिम्बर का काम होता है जैसे, कहीं पर परफ्यूम का काम होता है, कहीं पर और किसी चीज़ से रिलेटेड जैसे कि कॉटन का काम होता है, वो जो एरिया होता है जहाँ पर हम अपनी लिविंग के लिए रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी है, इसका मतलब इकोनॉमी एक एरिया से रिलेट करती है जहाँ पर हम अपने लिवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी यही इकोनॉमी अगर हम देखें तो यही इकोनॉमी हमने आपकी बुक में भी होगी, इस इकोनॉमी के बारे में हम बता दें, ये हमारा लास्ट एक टॉपिक है। इसमें हमारी तीन तरीके की इकोनॉमी आ जाती है, ठीक है। एक तो हो जाता है हमारा कंट्रोल्ड इकोनॉमी, दूसरी आ जाती है हमारी फ्री इकोनॉमी, यानी कि इसको मार्केट भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी लेते हैं, फ्री नहीं, मार्केट इकोनॉमी। और एक आ जाती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये तीनों इकोनॉमी हमारी आ जाती है। अभी अब क्या होगा, देखो मार्केट जैसे कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कंट्रोल इकोनॉमी हम इसमें आपको थोड़े से इसके एग्जांपल बता दें, जैसे कि यहां पर आ जाती है चाइना, रशिया, है ना, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इस टाइप के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसमें। उसके बाद हम अगर हम मार्केट इकोनॉमी में आ जाते हैं तो मार्केट इकोनॉमी में सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका यूएसए हो जाता है, यूके हो जाता है, और फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में तो इंडिया हमारा आता ही है। अभी हम इसके बता रहे हैं कंट्रोल इकोनॉमी, जैसे कि नाम से क्लियर है कंट्रोल, यहाँ पर जो भी मार्केट की जो भी फोर्सेज रहती हैं हमारी, मार्केट में जो भी काम होंगे पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होंगे गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में। आप कोई भी काम नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, गवर्नमेंट ही बताएगी क्या करना है, कैसे प्रोडक्शन होगा, कितने प्राइसेस सेट किए जाएंगे, क्या होगा, पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ये इकोनॉमी, ठीक है। आप फ्री नहीं है किसी भी काम को करने के लिए अपने आप से, कहाँ पर है, चाइना, रशिया। दूसरी आ जाती है मार्केट इकोनॉमी, आप फ्री है काम, इसको फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, आप फ्री हैं अपना काम को करने के लिए, गवर्नमेंट आपको साथ देगी, आप काम करें फ्री है, जब डिमांड सप्लाई के हिसाब से जो भी आपको काम करना है आप काम कर सकते हैं, जैसे यूएसए यूके से बहुत बड़ा एग्जांपल है। मिक्स्ड इकोनॉमी में बात करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का मिक्स है, यहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है और आप फ्री भी हैं अपने कामों को करने के लिए। जैसे अपने इंडिया में है ना, हम काम करते हैं लेकिन फिर भी हमारे ऊपर हेड कौन है, हमारा, हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारा इंडिया, ठीक है। इतनी बातें आपको मेरी, आई थिंक आपको इकोनॉमी की ये तीनों, कंट्रोल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, आपको यहाँ पे इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर। चलते हैं, फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी हम मिल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स में अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ये जो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम कहाँ से और कैसे और सोल्यूशन कैसे करेंगे इनका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए टेक केयर, गुड बाय।